हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस के ढेरों शुभकामनाएं। और मैंने ये वाला सूट पहना है, पहली बार ही पहना है, बट मुझे ये पसंद नहीं है इतना, क्योंकि इसका गला थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक है। इस वजह से नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ, क्योंकि दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, दवाई लेकर आनी है, थोड़ा सा मार्केट का काम है वो भी करके आना है। और मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जैसे कि आपने देख लिया होगा, कीवी मैं खा रही हूँ। कीवी एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने चाय और बिस्किट ले लिए थे, तो मेरा इतना कुछ खास मन नहीं है खाने का, तो मैं बस कीवी खाऊंगी और फिर मैं निकलती हूँ। और ये सूट मैंने इसलिए पहना है क्योंकि इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये कुछ ऐसा है। तो दुपट्टा लगा के आपको कुछ दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये है यहाँ पे मेरा फुल सूट, सिंपल एकदम फुल सूट ये है, बहुत ही प्रिटी सा। घर और मार्केट में या फिर हॉस्पिटल में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा हमने, क्योंकि आज इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मतलब बहुत भीड़ थी। स्कूटी मतलब चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। बट आ गए हैं घर और घर अभी पहुंचे हैं, बस तुरंत पापा भी आने वाले हैं, तो खाने पीने की तैयारी करते हैं। और आज है धनतेरस, तो अभी तो कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। और धनतेरस पर क्या सेलिब्रेशन होता है, धनतेरस पर शॉपिंग होती है। मेरे लिए एक गिफ्ट आया है, क्या गिफ्ट आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। था समस्त भारत ब्रह्म हेतु, ये हमारा ही है। तो मैं फाड़ देती हूँ, मैं थोड़ा बस ये मिठाई हमारे लिए इस नसीब पक्का बीमार, पता नहीं क्यों दर्द है। ये दिखाने मेरी इच्छा थी, मैं अपने बच्चों को चांदी के चैन पहना हूँ। गिफ्ट मैंने मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये मेरा मम्मी पापा की तरफ से गिफ्ट है। इसमें है मेरा एक ये कुल्लीरा, ये चटनी रखी हुई थी, मेरा मन करा। ये है राजमा, आलू बड़ी और छाछ, जितना खाया जाएगा उतना खा लेती हूँ। लड़ियाँ लग गई हैं और हम नहीं लगाएंगे इस बार लड़ी। सभी के घर में ऑलमोस्ट लाइटिंग्स हो गई हैं, हम नहीं करेंगे इस बार। और जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा दूध वगैरह लेके आ रहे हैं, वो लेके आते हैं। मैंने कपड़े चेंज इसलिए करे क्योंकि मैंने बर्तन धो लेते थे, वो थोड़ा गंदे हो गए थे इसलिए। कि पापा को काफ़ी तेज़ फीवर आ रहा था और एनजाइटी भी हो रही थी, तो मैं उनके लिए यहाँ नींबू पानी बना रही थी, आके तुरंत लग गई थी मैं यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले हमें डेंगू हुआ था, तो वो अपने रंग अभी भी कभी कभी दिखा देता है, तो वही उसी का था ये। हमने उनको मेडिसिन वगैरह दी। फिर टाइम हो रहा है अभी 10:15 के आसपास का, और हमारा काम हो गया था आधे घंटे पहले ख़त्म, और हम सोने ही जा रहे थे। लॉक वॉक लगा दिया था, लाइट वाइट बस ऑफ करना रह रहा था। हमें मिला है सरप्राइज, क्या सरप्राइज आया है। ये मी है कैश, क्या कर रही हो? अभी इनको नींद आ रही थी, ये थकी हुई थी और कहने थी मुझे उठाइयो मत।
ये नहीं कहा बर्तन से तो लूंगी की तू लेट जा मैं अपने आप कर लूंगी, और मेरी हिम्मत नहीं थी ना बेटे के आते गैस बिछड़ गई है। माँ का प्यार ऐसे होता है बच्चे सबके लिए। बैठ जाते हो थक गई हो टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को ये देखिए एवरीवन जय माता दी कैसे हैं आप सब। तो नेक्स्ट मॉर्निंग विद द सेम ब्लॉग और आज है छोटी दिवाली। सो आप सभी को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और खूब सारी मिठाइयां खाएं और पटाखे कम फोड़ें क्योंकि पॉल्यूशन होता है, हम लोग पटाखे नहीं फोड़ते हैं वैसे। और मॉर्निंग का टाइम बता देती हूँ आप लोगों को, 8:15 के आसपास का टाइम है और मैं जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि आज मुझे एम्स जाना है, मेरा कोई ऑफ नहीं है। छोटी दिवाली के दिन भी कोई ऑफ नहीं है, होगा तो कल का एक दिन का होगा बस। और मैंने भी ना नए सोफे के कवर लगाए हैं, वो दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार, नए सोफे के कवर मैंने अभी सेट करे हैं पूरे। नया टेबल पोस्ट लगाया है और चाय रखी है, वो मेरी चाय पीती हूँ और फटाफट नहाने जाती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। आप लोगों को बताया था कि मेरी ड्यूटी टीवी लैब में लगी हुई है और यहाँ पे बहुत पंचुअलिटी है, भाग के आई हूँ बट हाँ ऑन टाइम पहुँच गई हूँ और अब काम हो गया थोड़ा बहुत, जितना भी होगा वो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी आपको। और दिवाली है लगी नहीं रहा यहाँ तो, दिवाली है हॉस्पिटल इज हॉस्पिटल यार, इट हैंस प्रूव्ड। टाइम तो देख मम्मी पेंटर बड़ी तो फिर भी टाइम तो देख टाइम का दी मुड़ो। आते ही लग गए हम लोग अपने अपने काम पर, ये अपना सो अब काम पे लग गए हैं और मेरे हिसाब से छुट्टी आज शायद थोड़ा सा जल्दी हो जाए, वैसे तो 5:30 तक होती है तो जल्दी। और कल मैं इतने दिनों से पार्टी का वेट कर रही थी, अब कल मैं नहीं आई, कल इन लोगों की पार्टी हुई और साथ ही सरप्राइज हो चुकी है। क्या साथ ही सरप्राइज हो चुकी है सीट से? हाँ किस्मत खराब है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आप लोगों को आगे क्या क्या रिकॉर्ड करती हूँ। आज डेकोरेशन करी हुई है ना, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए यार ताकि पेशेंट्स को भी लगे ना। तो यहाँ पे अर्पा कर रही है स्टेनिंग, हमारी स्लाइड्स बन के आती हैं, ग्लव्स पहनी हुई है अभी, स्लाइड्स बन के आती हैं जो भी हमारे पास सैंपल आते हैं उसकी, और उसकी मतलब स्लाइड्स भी हम ही बनाते हैं, फिलहाल हमारी किसी और ने बना दिए दूसरे इंटर्न ने, तो ये अभी यहाँ स्टेनिंग करने वाली है और मैं करूँगी शाम को अपना काम, शाम को सैंपल्स आएंगे तो वो मैं लगा लूँगी। और बस 11:30 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट आज मैंने करा नहीं, आप लोगों ने देख लिया होगा मॉर्निंग में, और चल रहा है ऐसे ही चलेगा अब 6 बजे तक। चल चल कर तो गाइस मेरा लंच हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गया और मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे रियो और करिश्मा का, उन्होंने बोला है ऊपर ही आ रहे हैं वो लोग, सब लोग चले गए हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचुअलिटी है काफ़ी ज़्यादा, टाइम से आना तो हमारा फिट 1 बजे लंच हो जाता है, फिट 2 बजे हमें अंदर एंट्री करनी होती है और इट्स ऑलरेडी 1:18 अभी तक नहीं आया दोनों, और गुस्सा आ रहा है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को जब आएंगे। पूरे 1 घंटा वेट कराने के बाद ही एक्टिंग ऐसे दिखाएंगे जैसे जानते रहो। ये है पार्सल मीशो से, ये
मटेरियल सिर्फ टच करके बता रही हूँ, मटेरियल इज एक्सीलेंट। मैंने सोचा था ये नॉर्मल फैब्रिक में आएगा बट नहीं, इट्स अ स्वेट शर्ट और ये वॉर्म है। मटेरियल इज गुड, खोली नहीं है, अब खोलती हूँ आप लोगों के सामने। ओवर साइज ऑर्डर करा था, नाइस। ये उसी के ऊपर पहन लिए और एंड इट इज़ वेरी वॉर्म, बहुत गर्म लग रहा है। ओवर साइज ऑर्डर करा था तो कुछ ऐसी आई है कॉलर के साथ, देख सकते हैं आप लोग, इसका वॉर्म है। और ये सरप्राइज मिला है मुझे, लड़ियाँ लग गई हैं आज ही शायद इन लोगों ने, ये मनी प्लांट भी ठीक करा है, ऊपर तक लगा दिया है, नजर लगे थू थू थू। और ये लड़ियाँ लग गई हैं बाहर, दिखाती हूँ दिवाली वाइब्स, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हमारा पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है। मेहनत लगती है, दिखाओ। हैप्पी दिवाली बोलो सबको, मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली।